दोस्तों, हमारी पिछली चाय मेकिंग मशीन वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया और हमारे बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि सर कॉफ़ी मेकर मशीन लेकर आइए, क्योंकि स्टडी या फिर ऑफिस वर्क करने के बाद हर कोई कॉफ़ी पीना पसंद करता है, लेकिन कॉफ़ी बनाने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो मेरे भाई, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी तैयार करने के लिए हम ऐसी एडवांस मशीन लेकर आए हैं जो कि आपके फेवरेट हॉट कॉफ़ी के साथ कोल्ड कॉफ़ी भी बस मिनटों में तैयार कर देती है। अब आपको गैस चालू करके कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में ही कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। अभी आइए हम आपको ब्रू कॉफ़ी मेकर दिखाते हैं। ब्रू कॉफ़ी का मतलब ये है कि इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है। कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले इस लिड को ओपन करके इस बकेट में पानी भरेंगे और इस बकेट में एकदम ग्राउंड कॉफ़ी डालेंगे। एक स्पून के द्वारा एक कप कॉफ़ी तैयार हो जाती है और यहाँ पर हम दो कप बना रहे हैं, तो हम दो कप कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और इसे रख कर इस लिड को एकदम टाइटली बंद कर देंगे। यह कॉफ़ी जार है जिसमें कि कॉफ़ी कलेक्ट होता है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि आप इस जार को इसके नीचे नहीं रखेंगे तो कॉफ़ी नीचे नहीं आएगी। एक्चुअली जो प्लास्टिक है वह लीवर को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे कि कॉफ़ी नीचे आने लगती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप जार को बाहर निकाल लेते हैं तो कॉफ़ी नीचे नहीं गिरेगी। इसके नीचे यह हॉट प्लेट लगा है जो कि कॉफ़ी को लंबे समय तक गर्म रखता है। यदि कॉफ़ी सर्व करने के बाद भी बच जाती है तो आप इसमें रख दीजिए। इसमें पानी बॉईल होने के बाद ऑटोमेटिकली कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। और अभी आप यहाँ देखिए, एकदम फ्रेश ड्रिप कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, जिसका स्वाद तो भाई साहब एकदम अमेजिंग है। यदि आप ब्रू कॉफ़ी मेकर में ही कोई और मशीन लेना चाहते हैं तो एक और फिलिप्स की यह मशीन है जो कि काफ़ी शानदार है। इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी है, जिसकी फिनिशिंग बहुत बेहतरीन है। एक ग्लास जार दिया गया है और इसके नीचे यहाँ पर हीटिंग प्लेट है जो कि काफ़ी गर्म करता है। इसमें आप एक बार में 7 कप कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें पानी मेज़र करके मशीन में डाल देंगे। और नीचे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे हम ऑन कर देंगे। और अभी आप देखिए कि बस कुछ ही सेकंडों में हमारी कॉफ़ी नीचे आना शुरू हो गई है। यह मशीन 700 वाट की है जो कि पानी बॉईल करके कॉफ़ी बनाती है। हमने जितना पानी डाला था तो हमारी 2 कप कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। इस मशीन के द्वारा कॉफ़ी बनाने में बस कुछ ही मिनट का समय लगता है। यदि आप स्टडी या फिर अपना ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं तो आप इजीली इसमें कॉफ़ी बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 साल की वारंटी दी गई है, जिससे कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो कोई है ही नहीं। यदि आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक दिया गया है, आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। यदि बात की जाए एक्सप्रेसो मशीन की, तो यह रेगेलिया 5 बार एक्सप्रेसो मशीन है। इसका मतलब यह है कि पानी बॉइल होकर कॉफ़ी पाउडर से 5 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गुजरेगा, जिससे कि आपको एकदम ब्लैक रिच कॉफ़ी मिल पाएगी। इसके द्वारा आप दूध फ्रोथ करके कैप्सिनो कॉफ़ी भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिड को ओपन करके इसमें पानी डाल दीजिए और इसके लिड को बंद करके मशीन ऑन कर दीजिए। उसके पहले आइए मैं आपको इस मशीन के बाकी कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर यह स्पेशल कप है जो कि मशीन के साथ में ही आता है। इसमें आप 4 एक्सप्रेसो शॉट कॉफ़ी बना सकते हैं। इसका लीड कुछ ऐसे ओपन होता है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो लीड खुल जाएगा। इसमें स्पाउट दिया गया है जो कि कॉफ़ी भरने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। यह पोडा फिल्टर है, इसके एल्युमिनियम फिल्टर में कॉफ़ी पाउडर भरते हैं। इसके साथ ही में यह स्पून दिया गया है जिसके द्वारा हम कॉफ़ी पाउडर भरेंगे। इसे हम थोड़ा प्रेस करेंगे और पोडा फिल्टर को राइट साइड में घुमाकर इसे सेट कर देना है। और इसके नीचे कप रख दीजिए। अब इस मशीन को ऑन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मशीन रेस्ट पोजीशन पे है। इस साइड स्टीम होता है और इस साइड में कॉफ़ी बनती है। अभी हम इसमें कॉफ़ी बना रहे हैं तो हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करते ही इसमें ब्लू लाइट चालू हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी कॉफ़ी धीरे धीरे नीचे आ रही है और आप देखिए कि एकदम ब्लैक रिच कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें कैपेचिनो रेडी करेंगे। 1 जार में दूध लेकर स्टीम करिए। एकदम प्रॉपर स्टीम हो जाने के बाद इस मशीन को क्लीन कर लीजिए। अंदर साइड से क्लीन करने के लिए आप थोड़ा स्टीम कर दीजिए, जिससे कि दोनों तरफ से क्लीन हो जाएगा। और अभी आप देखिए कि कॉफ़ी में कैपेचिनो भी रेडी हो चुका है। जो लोग कैपेचिनो पसंद करते हैं तो उन्हें देख कर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसका स्वाद कितना बेहतर होगा। भाई साहब, यह तो हो गई हॉट कॉफ़ी।
लेकिन बहुत से लोग कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और यदि रियलिटी बताऊं तो मैं खुद ही बहुत पसंद करता हूं। इस रेगेलिया मशीन में आप चाहे तो कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक और मॉडल है, यह हैवेस डोनेटो, जो कि कॉफ़ी तैयार करने के लिए बहुत शानदार काम करती है। तो आइए सबसे पहले इसमें कॉफ़ी डालकर इसे अटैच कर दीजिए, और इसके ऊपर पानी डालना है। अभी हम इस जार को इसमें सेट करके इस मशीन को ऑन कर देंगे, जिससे कि कॉफ़ी बनना स्टार्ट हो जाए। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हम दूध लेकर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिक्स करेंगे। अभी यह देखिए कि हमारी एरोमेटिक कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। इस मशीन में आप चाहे तो चाय या फिर हॉट कॉफ़ी भी रेडी कर सकते हैं। अभी हम इस कॉफ़ी को इसमें डाल देंगे और आइसक्रीम डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। एकदम ब्लेंड हो जाने के बाद इस ग्लास में भरकर हम इसमें फिर से आइसक्रीम डालेंगे, और चॉकलेट फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा ड्रिंकिंग चॉकलेट भी डाल देंगे। और अभी आप देखिए कि हमारा एकदम क्रीमी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुका है। तो बताइए इसे पीने के लिए कौन कौन रेडी है। यदि आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। अब आइए हम आपको 15 बार कॉफ़ी मशीन दिखाते हैं, जो कि कॉफ़ी मशीन का बिग बॉस है। इसमें प्रेशर काफ़ी हाई होता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट बटन दिए गए हैं, इसके द्वारा हम मशीन ऑन कर सकते हैं, इसके द्वारा सिंगल कप कॉफ़ी और इसके द्वारा डबल कप कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से मशीन के फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और इस बटन के द्वारा हम स्टीम करते हैं। जिस तरह 5 बार मशीन में पाउडर फिल्टर दिया गया है, सेम उसी तरह इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसमें 2 साइज के अवेलेबल हैं। सिंपली इसमें भी कॉफ़ी पाउडर डालकर थोड़ा प्रेस कर दीजिए। अभी हम इस फिल्टर को मशीन में सेट करके ऑन कर देंगे। ऑन करते ही इस मशीन में ब्लू लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब यह लाइट ब्लिंक करना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि मशीन कॉफ़ी बनाने के लिए प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अभी आप देखिए कि ब्लिंकिंग होना बंद हो गया है, और हम 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए प्रेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम थिक एक्सप्रेसो बाहर आ रहा है। कॉफ़ी का सबसे एसेंशियल ऑयल अरोमा का टेस्ट इसमें मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि इसमें मिल्क बटर है, लेकिन इसमें मिल्क एक भी नहीं है। जो लोग कैपेचिनो काफ़ी पसंद करते हैं, तो हमें कैपेचिनो तैयार करने के लिए मिल्क चाहिए, और इस मिल्क को जार में भरकर स्टीमर के नीचे ले जाइए, जिससे कि यह मिल्क स्टीम होना शुरू हो जाता है। अभी इस दूध को हम कॉफ़ी में डालेंगे, और आप देखिए कि हमारा होममेड कैपेचिनो रेडी हो चुका है, जो कि किसी भी कॉफ़ी हाउस के स्वाद से लाख गुना बेहतर है। यदि आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इजीली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अब शायद आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, ब्रू कॉफ़ी मेकर मशीन, 5 बार मशीन, 15 बार मशीन में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस ब्रू कॉफ़ी मेकर मशीन में पानी बॉयल होकर डायरेक्टली कॉफ़ी पाउडर से पास हो जाता है, जिससे कि ड्रिप कॉफ़ी तैयार हो जाती है। वहीं यदि बात की जाए 5 बार मशीन की, तो इसमें 5 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पास होता है, और 15 बार मशीन में यह 15 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पास होता है। और जब इतने प्रेशर से पानी कॉफ़ी पाउडर से गुजरता है, तो यह पाउडर के एसेंशियल ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि अरोमा एकदम ऊपर आ जाती है। और अभी आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ड्रिप कॉफ़ी थोड़ी पतली है, और 5 बार मशीन के द्वारा थोड़ी थिकर कॉफ़ी तैयार हुई है। और यह देखिए, जो कि 15 बार मशीन से तैयार की गई है, इसमें ऑयल भी एक्सट्रैक्ट हो गया है, जिससे कि क्रीम ऊपर आ गया है। तो बताइए इन तीनों कॉफ़ी में से सबसे बेहतरीन कॉफ़ी मेकर मशीन आपको कौन सी लगी, और कौन सी मशीन को आप अपने घर ले जाना चाहेंगे। अब वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहें। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियो दिख रही हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।